हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आज के सेशन में। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से रिलेटेड रूल्स, और ये हमारा पार्ट टू है। इससे पहले मैंने कल की वीडियो में पार्ट वन में जितने भी इम्पॉर्टेंट बेसिक रूल होते हैं और जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं उनको हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है आप में से, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप वो पार्ट वन वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपको बेस बनाना है बहुत अच्छे से, आपको इसको बहुत अच्छे से समझना है हर एक रूल को, तो आप ज़रूर देखें पार्ट वन, ठीक है। तो चलिए फिर अब हम आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं पार्ट टू में, एंड जो इम्पॉर्टेंट रूल हमारे रिमेनिंग रह गए हैं उनको भी मैं कवर करूंगी, जिससे कि हमारा पूरा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर है वो कवर हो जाएगा, एंड उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम प्रैक्टिस जो क्वेश्चन होते हैं उनको हम बहुत सारे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर पार्ट टू में स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट रूल से। तो पहला जो टाइप वन रूल आता है, इसको मैं कह सकती हूँ, इसको मैं बोल सकती हूँ एस पी रूल, ठीक है। इसको क्या कह सकते हैं, इसको सिंगुलर प्लूरल रूल कह सकते हैं। अब एस पी रूल मैंने इसको क्यों बोला, क्योंकि ये जो आप नाम देख रहे हो, जैसे कि है कैटल, या फिर कैवलरी हो गया, इन्फेंट्री, प्लोट्री, प्रिपेजेंट्री, चिल्ड्रन, जेंट्री और पुलिस या पीपल, इस तरह के जो हमारे नाउन होते हैं ये सिंगुलर है दिखने में। आप अगर इनको देखेंगे तो ये सिंगुलर है, लेकिन इनका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या कहा गया, एस पी रूल इसको मैंने बोला, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे एग्जाम्पल है, कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो कैटल जो है ये दिखने में आपको सिंगुलर लग रहा है, बट इनके साथ ऑलवेज हम प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं, बिकॉज ये प्लूरल ही कंसिडर किए जाते हैं। जैसे आर इन्फेंट्री हैव मार्च्ड, तो यहाँ पे हमने हैज की जगह हैव यूज किया है, और पुलिस हैव अरेस्टेड द थीव्स, पुलिस के साथ हमने हैज ना लगा के हैव लगाया। तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम ऑलवेज प्लूरल कंसिडर करते हैं, और इनके साथ जो वर्ब होती है वो प्लूरल आती है, इनके साथ कभी भी एस और ई एस नहीं जोड़ा जाता। जैसे अगर यहाँ पे चिल्ड्रन है, तो चिल्ड्रन के साथ में चिल्ड्रंस नहीं लिखूंगी, ठीक है। इनके साथ हम एस नहीं जोड़ते हैं किसी के भी साथ, इनको ये जैसे हैं इनको वैसे ही हम सेंटेंस में यूज करते हैं, ठीक है। तो पहला रूल क्या था, एस पी रूल था, दिखने में सिंगुलर है बट ऑलवेज हम इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। दूसरा रूल आता है हमारा, दूसरा रूल ध्यान से देखिएगा, दूसरा रूल है नन ऑफ द, ठीक है। कुछ ऐसे हमारे सेंटेंसेस होते हैं जो नन ऑफ द के साथ शुरू होते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको सिंपल सा एक आपको रूल याद रखना है, जैसे कि हमने फर्स्ट वाली वीडियो में ये देखा था कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब यही है कि जो सब्जेक्ट है वो उसके वर्ब से क्या करना चाहिए, एग्री करना चाहिए। मतलब जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हमारी जो वर्ब होगी वो प्लूरल होगी। तो यही था हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो यहाँ पे भी हमें वही करना है। नन ऑफ द के बाद अगर आता है सिंगुलर नाउन तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, और अगर नन ऑफ द के बाद आता है प्लूरल नाउन तो हम प्लूरल वर्ब वहां पे लगाएंगे। तो सिंपल सा रूल था, आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, नन ऑफ द, नन ऑफ द से कोई भी सेंटेंस शुरू होता है आपको देखना क्या है, उसका नाउन आपको देखना है कि नाउन सिंगुलर है या नाउन प्लूरल है। जैसे कि नन ऑफ द मनी हैज बीन यूज्ड, अब यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दे दिया जाएगा, हैज दे दिया जाएगा, हैव दे दिया जाएगा, या जैसे इज दे दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपको चार ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आपको देखना है नन ऑफ द के बाद क्या नाउन आया है, नाउन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। तो मनी जो है वो आपका क्या है, अनकाउंटेबल के अंदर आता है, तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी हम सिंगुलर ही यूज करेंगे, तो यहाँ पे हैज आया। उसके बाद है नन ऑफ द टीचर वॉन्ट्स फेलियर फॉर स्टूडेंट्स, अब नन ऑफ द के बाद टीचर है, सिंगुलर है, तो हमारी जो वर्ब आई वॉन्ट के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉन्ट की जगह एस जोड़ के हम सिंगुलर के साथ वॉन्ट्स लिखेंगे, ठीक है। तो वर्ब भी क्या आई यहाँ पे, सिंगुलर आई। नन ऑफ द स्टूडेंट्स वॉन्ट टू फेल, अब यहाँ पे नन ऑफ द सेम है, लेकिन फर्क आपको क्या देखना है, प्लूरल और सिंगुलर का देखना है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, तो आंसर भी हमारा जो वर्ब आया वो भी प्लूरल में आएगा। उसके बाद है नन ऑफ द बॉटल्स आर क्लीन, तो बॉटल्स क्या है, प्लूरल, तो आंसर भी क्या आया हमारा, प्लूरल आया, ठीक है। तो वही है कि वर्ब एग्री किसके साथ करेगा, प्लूरल है तो प्लूरल, सिंगुलर है तो सिंगुलर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलते हैं अपने अगले
रूल की तरह टाइप थ्री रूल आता है। देखो टाइप थ्री रूल क्या है, प्लूरल प्लूरल रूल इसको हम कह सकते हैं। अब प्लूरल प्लूरल का मतलब होता है कि कुछ जो नाउन होते हैं हमारे वो दिखने में प्लूरल होते हैं और इनके साथ ऑलवेज हम प्लूरल ही यूज करते हैं वर्ब को, यानी कि प्लूरल दिखने में भी है और जो वर्ब आ रही है वो भी प्लूरल ही आ रही है। इनके पीछे जो एस या ई एस लगा रहता है इसको हम एस ई एस को रिमूव नहीं करते हैं, ये जैसे हैं इनको वैसे ही यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे पैंट्स है तो पैंट्स के साथ हम एस हटाएंगे नहीं, इनको एज इट इज यूज किया जाता है और इनके साथ जो वर्ब आती है वो प्लूरल आती है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है जो मैं हाईलाइट कर रही हूँ और यहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपका आता है गॉगल्स से, गॉगल्स में एस ई एस हटा देगा या इज आर दे देगा। ठीक है, तो गॉगल्स आर होगा यहाँ पे। या फिर पैंट्स से क्वेश्चन आता है, पैंट्स क्या है, प्लूरल कंसिडर इनको किया जाता है। ठीक है, तो ये हमेशा प्लूरल ही कंसिडर किए जाते हैं। जैसे कि और क्वेश्चन बिलोंगिंग्स आ जाता है कई बार आ जाता है सिजर्स। ठीक है, सिजर्स आ जाएगा कई बार शॉर्ट्स आ जाता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादातर हमारे ड्रेस आर्टिकल आते हैं, जैसे ट्राउजर्स है ड्रेस आर्टिकल है। ठीक है, या गॉगल्स है, मतलब स्पेक्टिकल्स है, चश्मे की बात हो रही है, यानी कि ऐसे आर्टिकल जो हम यूज करते हैं। ठीक है, डेली आर्टिकल्स है हमारे, वो सब चीजें यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, तो इनके साथ ऑलवेज हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब को यूज करते हैं अगर इनको सिंगुलर बनाना हो। इन केस अगर इनको हम सिंगुलर हमें बनाना है तो हम इनके साथ अ पेयर ऑफ यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, अ पेयर ऑफ पैंट्स यूज करके मैं इसको सिंगुलर बना सकती हूँ। ठीक है, तो सिंगुलर बनाने के लिए हम अ पेयर ऑफ का यूज करते हैं और अदरवाइज इनको हम प्लूरल ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखो क्या है, वेयर आर माई पैंट्स, तो पैंट्स के साथ हमने क्या लगाया, आर लगाया। वेयर आर माई टॉन्ग्स, तो आर लगाया। द प्रोसीड्स वर डिस्पोज्ड इन द बैंक, ठीक है, इसके बाद ऑल हिज एसेट्स वर सीज्ड, आर्म्स वर गिव टू द बेगर्स, या फिर द एम्ब्रेस ऑफ द फायर वर स्टिल बर्निंग। तो यहाँ पर इनको हम ऑलवेज प्लूरल कंसिडर करते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, टाइप वन में हमने एसपी रूल डिस्कस किया, ये दिखने में सिंगुलर है प्लूरल यूज करेंगे, जैसे चिल्ड्रन, इन्फेंट्री, कैटल, पुलिस, जेंट्री। ठीक है, दूसरा हमने रूल डिस्कस किया नन ऑफ द वाला रूल था, उसमें भी आपको सिंगुलर प्लूरल देखना है। तीसरा रूल हमने प्लूरल प्लूरल डिस्कस किया। अभी अब हम चलते हैं अपने अगले रूल पे, टाइप फोर रूल आता है। टाइप फोर रूल जो है इसको मैं कह सकती हूँ सिंगुलर सिंगुलर रूल। ठीक है, क्या कह सकती हूँ मैं, एस एस रूल इसको मैं कह सकती हूँ, क्योंकि ये जितने भी आप नाउन देख रहे हैं, ये ब्लू कलर से जितने भी आपको वर्ड्स दिख रहे हैं, ये जितने भी नाउन हैं, ये दिखने में भी सिंगुलर है ना, और इनके इनके साथ जो वर्ब आती है वो भी सिंगुलर आती है। तो सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर नाउन। ठीक है, वर्ब भी क्या आएगी, सिंगुलर आएगी इनके साथ। इनके साथ ई एस एस नहीं जोड़ा जाता, ये याद रखना, ई एस और एस नहीं जोड़ते हैं, यानी कि इनको हम प्लूरल बना देंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे है सिनरी, पोइट्री, या फिर फर्नीचर, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, हेयर, बिजनेस, ये क्या है, सब हमारे सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, जैसे द सिनरी ऑफ कश्मीर हैज एन्चेंट, तो हैज आया सिनरी के साथ। ठीक है, उसके बाद आई पास द एग्जाम बट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वॉज नॉट गुड, या फिर द मिसचीफ कमिटेड बाय हिम इज, तो यहाँ पे मिसचीफ वर्ड जो है ये क्या है, सिंगुलर है। हिज हेयर, तो हेयर जो होता है वो ऑलवेज हम हेयर ही यूज करते हैं। ठीक है, हेयर का हम हेयर्स यूज नहीं करते, ऑलवेज हेयर ही होता है वो। ठीक है, या आई हैव सम इक्विपमेंट, तो इक्विपमेंट जो है वो क्या है, हमारा सिंगुलर है। ठीक है, तो ये क्या है, जितने भी वर्ड्स हैं ये सिंगुलर इनको कंसिडर किया जाता है। ज्यादातर क्वेश्चन आपके कहाँ से आते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन से आ जाएगा। ठीक है, इन्फॉर्मेशन के साथ हैज हैव आ जाएगा, या फर्नीचर के साथ क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, या फिर यहाँ पे न्यूज आता है सबसे ज्यादा पेपर में। ठीक है, वर्ड आ जाता है पेपर में, तो ये सब क्या है, इनके ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। सीनरी हो गया, पोइट्री हो गया। ठीक है, या फिर कई बार पूछा जाता है स्टेशनरी। ठीक है, ये सब जो है आपको याद रखना है। नॉलेज हो गया, लगेज हो गया, लगेज भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा। एविडेंस हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, सिंगुलर ही इनको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम।
अब आता है टाइप फाइव रूल। टाइप फाइव रूल में ये जो वर्ड आप देख रहे हो, ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ, ये चार वर्ड आपको याद रखने। अब याद रखना कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, ईच ऑफ मतलब हर एक, ईदर ऑफ मतलब उनमें से कोई, है ना, नीदर ऑफ मतलब कोई भी नहीं, या एवरी वन ऑफ, इस तरह के वर्ड जब होते हैं तो इनके साथ ऑलवेज प्लूरल नाउन आता है। पहला नाउन आएगा प्लूरल, और जो वर्ब होगी वो सिंगुलर होगी। अब यहाँ पे वर्ब सिंगुलर क्यों होगी, क्योंकि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ जो है ये सिंगुलर ही कंसिडर होते हैं, मतलब इन ये जो है सिंगुलर सेंस हमें बताते हैं कि भाई उनमें से कोई एक की बात हो रही है, ठीक है, तो सिंगुलर इनको हम कंसिडर करते हैं। इनके बाद नाउन अगर प्लूरल हो तो भी जो वर्ब होती है वो सिंगुलर ही होती है, ठीक है। तो आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। जैसे मैंने अभी बोला ईच ऑफ है ना, नीदर ऑफ है, तो इस तरह के वर्ड्स यहाँ दिए हुए हैं। अब हमें ये देखना है कि यहाँ पे नाउन क्या आ रहा है, ठीक है, नाउन आ रहा है ईच ऑफ द पर्सन हैज, तो पर्सन और हैज आ रहा है, तो मैंने क्या बोला कि ईच ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, एवरी वन ऑफ के साथ प्लूरल आता है, प्लूरल नाउन हम लगाएंगे और वर्ब ऑलवेज सिंगुलर होगी इनके साथ, ठीक है। तो अब आप इस क्वेश्चन में देखिए, ईच ऑफ द पर्सन है तो क्या आएगा, यहाँ पे पर्सन आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल ये लेते हैं नाउन, तो ईच ऑफ द पर्सन हैज, क्या हैज सही है, तो बिल्कुल सही है ये, ठीक है। उसके बाद है नीदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स क्या है, प्लूरल है, कैंडिडेट्स वर, तो वर दिया हुआ यहाँ पे, तो हमने क्या देखा कि नाउन यहाँ पे प्लूरल हो, और अगर यहाँ पे नीदर ऑफ है तो भी हम जो वर्ब लगाएंगे वो हम सिंगुलर ही लगाएंगे, यानी कि यहाँ वर आ रहा है तो हम यहाँ पे वर की जगह क्या लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, ठीक है। तो कैंडिडेट्स देख के आपको वर नहीं लगाना है, आपको देखना है कि नीदर ऑफ, ईच ऑफ जो है ये सिंगुलर कंसिडर कर किए जाते हैं, ठीक है। आगे है नीदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर गिल्टी, अब इसमें एरर क्या है, नीदर ऑफ दिया हुआ है, टू ब्रदर्स दिया हुआ है, प्लूरल है, लेकिन आंसर क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, इज आएगा, ठीक है, इज गिल्टी। उसके बाद है ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हुम आई हैव चूजन टू टेक पार्ट इन द कल्चरल प्रोग्राम्स टू बी परफॉर्म्ड इन द सिटी हॉल, अब देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पे वर्ब क्या आ रही है, आर आ रहा है, स्टूडेंट्स के बारे में दिया गया है कि दे आर अप टू द मार्क, तो आर की जगह हम यहाँ क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, बिकॉज हमने अभी रूल देखा ईच ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, एवरी वन ऑफ प्लूरल है, लेकिन वर्ब सिंगुलर यहाँ पे हम लगाएंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सिंगुलर वर्ब को यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं। ईदर ऑफ द रोड्स, अब रोड्स है तो प्लूरल है यहाँ पे, ये बिल्कुल ठीक है, ईदर ऑफ द रोड्स लीड टू द पार्क, तो लीड होगा, तो लीड, तो लीड की जगह हम क्या लगाएंगे, लीड्स लगाएंगे, लीड्स टू द पार्क, बिकॉज सिंगुलर है तो लीड्स लगाएंगे, ठीक है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इन द कंप्यूटर क्लास हैज टू टाइप देयर ओन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर, अब यहाँ ईच ऑफ दिया हुआ है, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स प्लूरल दिया हुआ है, अब आप वर्ब देखिए, वर्ब यहाँ पे सिंगुलर आनी चाहिए, तो यहाँ पे सिंगुलर ही है, हैज दिया हुआ है, यानी कि ये सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, ये सिक्स वाला सेंटेंस क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। सो आई होप कि ये रूल अब आपको समझ आ गया होगा, इतने सारे हम एरर वाले क्वेश्चन हमने अभी कर लिए हैं, तो ये रूल आपको खास तौर से याद रखना है, कोई सा भी क्वेश्चन आपका यहाँ से फ्रेम हो सकता है। आगे बढ़ेंगे टाइप सिक्स रूल की तरफ, टाइप सिक्स रूल देखो क्या कहता है, टाइप सिक्स रूल जो है उसमें तीन पैटर्न आपको ध्यान से देखना है, तीन पैटर्न में पहले लिखा है मैनी, दूसरे में लिखा है मैनी अ या एन, और तीसरे में लिखा है अ ग्रेट मैनी, ठीक है। अब डिपेंड करता है आपका नाउन क्या दिया हुआ है, अगर प्लूरल नाउन दिया है मैनी के बाद तो वर्ब भी क्या आएगी, प्लूरल आएगी, हमने वही देखा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल, प्लूरल नाउन है तो प्लूरल वर्ब, ठीक है, तो मैनी प्लूरल नाउन अगर कोई सा भी दिया है तो वर्ब भी प्लूरल लगाएंगे। मैनी अगर अ दिया हुआ है, अ है और कोई सिंगुलर है तो वहां हम सिंगुलर लगाएंगे, वही रूल है एस एस वाला, सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ठीक है। मैनी मैनी के साथ क्या कंडीशन है, अ सिंगुलर आ रहा है, ठीक है, उसके बाद है अ ग्रेट मैनी, उसके बाद प्लूरल है तो हम प्लूरल वर्ब यहाँ पे लगाएंगे, ठीक है। तो ये तीन पैटर्न हैं जिनसे आप जिसको आपको याद रखना है। अब इसके आधार पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, पहला क्या था, मैनी प्लूरल तो प्लूरल वर्ब, मैनी अ सिंगुलर है तो सिंगुलर, और मैं अ ग्रेट मैनी है प्लूरल है तो प्लूरल, ठीक है। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन, जैसे मैनी अ दिया हुआ है, मैनी अ मेन, तो
तो ये सेकंड वाला कंडीशन देखा हमने, सेकंड वाला कंडीशन है मैनी अ दिया है और मैन दिया हुआ है, सिंगुलर है, यानी कि मैनी अ मैन में क्या है सिंगुलर दिया है, तो वर्ब भी क्या आएगी यहाँ पे सिंगुलर आएगी, तो हैज लगा देंगे, ठीक है। मैनी अ ऑब्जेक्शन, यहाँ पे भी आर्टिकल अ दिया हुआ है, सिंगुलर है ऑब्जेक्शन, वॉज मेड दिया हुआ है, वॉज मेड बाय द प्लीडर बिफोर द जज, तो ये बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है सेंटेंस में, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा मैनी अ दिया हुआ है, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे भी हमने सिंगुलर वर्ब को यूज किया हुआ है, ठीक है। आगे है अ ग्रेट मैनी, अब ये तीसरा वाला रूल था अ ग्रेट मैनी, इसके साथ प्लूरल नाउन आएगा तो प्लूरल वर्ब होगी, ठीक है, प्लूरल प्लूरल वाला याद रखना है, तो देख लेते हैं। अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैज, अ ग्रेट मैनी है तो अ देख के कंफ्यूज नहीं होना है, अ ग्रेट मैनी के बाद देखना है कि कौन सी नाउन है, नाउन प्लूरल है यहाँ पे, तो आंसर भी हैज की जगह हम क्या लगाएंगे, यहाँ हैव लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अ ग्रेट मैनी स्टूडेंट्स हैज शोन देयर इंटरेस्ट, अब इसमें क्या बताना है आपको कि कौन सी यहाँ पे वर्ब आएगी, अ ग्रेट मैनी के बाद प्लूरल वर्ब है तो आंसर भी प्लूरल नाउन है तो आंसर भी प्लूरल में आएगा, ठीक है, तो हैज की जगह हम यहाँ क्या लिखेंगे, हम यूज करेंगे यहाँ पे हैव का, ठीक है, तो हैज की जगह हमने हैव का यूज किया। सो आई होप कि ये रूल क्लियर हो गया होगा, मैनी अ देगा तो सिंगुलर हो जाएगा और अ ग्रेट मैनी के बाद प्लूरल देगा तो प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, और अगर वैसे प्लूरल है, मान लो मैनी के बाद प्लूरल है, तो आपको पता ही है सब्जेक्ट जो है उसके वर्ब से एग्री करता है ना, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यही है कि अगर प्लूरल है तो प्लूरल ही लगाएंगे, सिंपल सी बात है ना। सो ये तीन आपको याद रखना है पैटर्न। आगे बढ़ते हैं, टाइप सेवन रूल क्या कहता है, टाइप सेवन रूल कहता है कि जब भी किसी सेंटेंस में हम कोई इमेजिनरी पोजिशन की बात करते हैं, कोई भी ऐसे सेंटेंस है जहाँ पे हम बात करते हैं मैं कोई विश कर रही हूँ या मैं कोई इमेजिन कर रही हूँ कोई चीज़, कोई कंडीशन में दे रही हूँ, जैसे ये कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे मैं बोलूँ इफ आई वर दिस, अगर मैं ये होती, अगर मैं वो होता, इस तरह से हम जब कोई इमेजिन करते हैं किसी सेंटेंस में किसी चीज को, वहां पर ऑलवेज हम वर का यूज करते हैं, ठीक है, थीके? जैसे अगर क्वेश्चन आया आई विश आई वर बर्ड, तो आई विश यहाँ पे वो विश कर रहा है कि काश मैं चिड़िया होती या काश मैं चिड़िया होता, तो जब भी आप कोई विश करते हो, कोई इमेजिनरी पोजिशन को आप अज्यूम करते हो, वहां पे हमारे जो वर्ब होती है वो ऑलवेज वर आती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, और ये नहीं कि अगर सब्जेक्ट यहाँ ही है तो ही के साथ हम यहाँ वॉज लगाएंगे, तो यहाँ इफ से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, इफ ही डैश रिच, अगर वह अमीर होता तो वह हेल्प करता, यानी ये कंडीशन बताया जा रहा है, ये एक इमेजिन किया जा रहा है ना, ये बात सच नहीं है, तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, ऑलवेज हम वर का ही यूज करेंगे, जैसे अगर यह होता कि इफ शी वर रिच, तो वॉज नहीं लगाएंगे हम, वर ही यहाँ पे यूज करेंगे। तो बस आपको इस रूल में ये याद रखना था कि हम वर कहाँ लगाते हैं, वर लगाते हैं जब इफ से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा हो, एज इफ से कोई सेंटेंस है, सपोज से कोई सेंटेंस है, जहाँ पे इमेजिन करने की बात हो रही है, विश की बात हो रही है ना, तो वहां हम वर का यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आता है टाइप एट, अब ये ना थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड रूल है जिनको आपको आराम आराम से अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे इससे रिलेटेड। तो देखो ये रूल क्या है, टाइप एट रूल बहुत सिंपल रूल है, ठीक है, सिंपल रूल क्या है, ये कुछ वर्ड्स आप देख लो, वन थर्ड है ना, फ्रैक्शन की बात हो रही है यहाँ पे, वन थर्ड ऑफ, कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है वन थर्ड ऑफ से, थ्री फोर्थ, ये फ्रैक्शन की बात कर रहा है ना, या मैं बोलूँ अ क्वार्टर ऑफ, पार्ट ऑफ, 10%, 20%, ठीक है, तो इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं 10%, 20%, क्वार्टर ऑफ, अ क्वार्टर ऑफ है, थ्री फोर्थ है, कोई यहाँ पे पार्ट की बात हो रही है ना, हम फ्रैक्शनल पार्ट की बात कर रहे हैं, इसके साथ जब भी आप ये देखो कि आप इनके साथ नाउन कौन सा यूज है, काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, ठीक है, अगर अनकाउंटेबल नाउन है जिनको हम गिन नहीं सकते, जिनका हम सिंगुलर प्लूरल नहीं बना सकते, अगर अनकाउंटेबल नाउन है इनके आगे तो हम वर्ब ऑलवेज सिंगुलर लगाएंगे, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन, जैसे कि मैं बोलूँ मनी, अनकाउंटेबल है, मैं बोलूँ वर्ड, अनकाउंटेबल है, तो इनके साथ ऑलवेज हम सिंगुलर वर्ब लगाते हैं, ठीक है, अगर वन थर्ड ऑफ, थ्री फोर्थ ऑफ, पार्ट ऑफ, 10%, 20% दिया हो, और इनके साथ अगर अनकाउंटेबल की जगह
काउंटेबल नाउन हो, ठीक है, तो वहां हम क्या यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है तो हम प्लूरल वर्ब ही लगाएंगे। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। नीचे यहाँ पे तीन एग्जाम्पल है, इनको थोड़ा सा आप देखिए। वन थर्ड ऑफ द वर्ड, वन थर्ड ऑफ द वर्ड दिया है, वर्ड क्या है, अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते शब्द को, तो यहाँ इसके साथ हमने क्या लगाया, हैज लगाया, ठीक है, क्योंकि सिंगुलर है। वन थर्ड ऑफ द स्टूडेंट्स दिया है यहाँ पे, अब देखो वन थर्ड ऑफ के साथ यहाँ दिया है स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इनको गिन भी सकते हैं और ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हमने यहाँ क्या लगाया, प्लूरल लगाया, हैव लगा देंगे। ठीक है, फिर दिया है 90%, 90% ऑफ द स्टूडेंट्स, अब 90% दिया हुआ है, इसके साथ प्लूरल है, ठीक है, तो प्लूरल के साथ प्लूरल लगाएंगे, तो हमने क्या लगाया यहाँ पे, हैव लगाया। और अगर मान लो 90% ऑफ कोई और कुछ और होता, अगर मैं लिखूं 90% ऑफ वाटर, अगर मैं यहाँ पे वाटर लिख देती तो क्या आता यहाँ पे, तो हैज आता फिर, है ना, या सिंगुलर आता, बिकॉज वाटर जो है वो अनकाउंटेबल है। तो वही इसमें क्या याद रखना था, बेसिक सा मुद्दा ये है कि इस तरह के वर्ड्स होते हैं, अगर अकाउंटेबल नाउन है तो प्लूरल लगा दो, और अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर लगा दो। ठीक है, सिंपल सा यहाँ पे रूल था। आगे बढ़ते हैं, अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं बेस्ड ऑन दिस रूल। जैसे यहाँ दिया है 3/4 ऑफ द लैंड हैव बीन प्लॉट, अब इसमें एरर देखिए जरा, पहले तो आप ये देखो यहाँ दिया है 3/4, ठीक है, उसके बाद दिया है द लैंड हैव बीन, अब जो लैंड है ये कौन सा नाउन है ये आपको देखना है, तो ये अनकाउंटेबल है। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे, हैज लगाएंगे, अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर लगेगा। फिर है 2/3 ऑफ द गवर्नमेंट लैंड हैज बीन एक्वायर्ड बाय लैंड माफियाज इन आर सिटी, तो 2/3 ऑफ द गवर्नमेंट लैंड दिया है तो इसके साथ हमने हैज लगाया, ये बिल्कुल ठीक है ना, कोई गलती नहीं है, क्योंकि लैंड है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है तो अनकाउंटेबल के साथ सिंगुलर आता है। उसके बाद है 2/3 ऑफ स्टूडेंट्स वॉज पास, तो यहाँ पे देखो 2/3 के साथ हमने प्लूरल काउंटेबल नाउन लगाया है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है ये, प्लूरल है स्टूडेंट्स, तो यहाँ वॉज की जगह हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। तो आपको पेपर में इस तरह से चार ऑप्शन दे देगा, ऐसी आपका आपको एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी और यहाँ पे डैश करके आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो इस तरह से आपको याद रखना है कि किस केस में हम सिंगुलर लगा रहे हैं और हम कब प्लूरल यहाँ पे लगा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं टाइप 9 की तरफ, कुछ और वर्ड्स हैं जिनको अलग कैटेगराइज किया है मैंने, उसको आपको याद रखना है। देखिए अब टाइप 9 में हम कुछ और वर्ड्स को देखेंगे, अभी तक हमने ये वाले वर्ड्स देखे, इसमें सिंपल सा फंडा ये था कि अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर लगा दो, प्लूरल काउंटेबल है तो प्लूरल लगा दो, और वर्ड क्या क्या थे, जैसे 1/3, 2/3, 3/4, 1/4, 10%, 20%, 50%, ये वाले वर्ड्स थे। यहाँ पे आपको देखना है टाइप 9 में कभी कभी दिया रहता है मोस्ट ऑफ, ठीक है, सम ऑफ, हाफ ऑफ, तो इस तरह के वर्ड्स आपको याद रखना है। ठीक है, एक बार आप एक दो बार इसको देखोगे तो आपको ये याद हो जाएगा कौन कौन से शब्द है, कौन कौन से वर्ड्स है भाई, मोस्ट ऑफ वाले कुछ वर्ड्स होते हैं, मोस्ट ऑफ से जो शुरू होते हैं, सम ऑफ या फिर हाफ ऑफ, अ लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, लॉट्स ऑफ, इस तरह के वर्ड्स हो, इनफ ऑफ, हाफ ऑफ, तो सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, इस तरह के वर्ड्स हैं, तो वही वाला रूल यहाँ पे भी सेम अप्लाई होगा, वही सेम रूल है जो मैंने अभी बोला, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, प्लूरल नाउन है कोई काउंटेबल तो प्लूरल वर्ब लगा दो, अनकाउंटेबल नाउन है जिनको काउंट नहीं कर सकते तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी। बस आपको याद क्या रखना है ना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाले वर्ड्स आपको याद रखने, क्योंकि अगर आपको ये आगे वाले शब्द याद है तो ये वाले करना मुश्किल नहीं है आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, जैसे आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है मोस्ट ऑफ द नॉलेज, मोस्ट ऑफ के साथ हमने क्या लगाया, द नॉलेज, नॉलेज क्या है, नॉलेज हमने क्या देखा था कि ये दिखने में सिंगुलर है लेकिन ये इनको सिंगुलर कंसिडर किया जाता है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है, तो इसलिए नॉलेज के साथ हमने क्या लगाया, इज लगाया। मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, अब देखो ये प्लूरल है, गर्ल्स क्या है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमने प्लूरल वर्ब लगाई है। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अलॉट ऑफ, इसके साथ बस वही वाला आपको सिनेरियो याद रखना है, अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, काउंटेबल है, प्लूरल काउंटेबल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। जैसे सम ऑफ द स्टूडेंट्स दिया हुआ है, प्लूरल है यहाँ पे स्टूडेंट्स, तो प्लूरल वर्ब आ गई, है ना, तो सिंपल सा ये आपको याद रखना है। इसमें
आगे बढ़ते हैं, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो दिया है, अ लॉट ऑफ मनी नीड टू बी स्पेंट ऑन रिपेयर ऑफ द हाउस। अब यहाँ पे क्या आएगा, अ लॉट ऑफ दिया हुआ है यहाँ पे, अ लॉट ऑफ के बाद देखो क्या दिया है, मनी दिया है। मनी कैसा नाउन है, मनी काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, तो मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर आता है। तो अनकाउंटेबल नाउन है तो मेरी वर्ब क्या आएगी, वर्ब क्या है यहाँ पे, नीड है। तो यानी कि नीड जो है वो तो हम प्लूरल के सेंस में यहाँ यूज करते हैं ना, तो यहाँ नीड्स आएगा, ठीक है, यहाँ पे एस लगेगा। तो यहाँ आंसर क्या बना, अ लॉट ऑफ मनी नीड्स टू बी स्पेंट ऑन रिपेयर। फिर है अ लॉट ऑफ मनी वर स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स। अब आपको देखना है इसमें अ लॉट ऑफ मनी वर स्पेंट, यहाँ पे भी मनी अनकाउंटेबल है तो यहाँ भी सिंगुलर आएगा, है ना, वॉज आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन। तो बस ये आपको याद रखना है कि कौन से सिनेरियो में बोला गया, अनकाउंटेबल है या काउंटेबल है। चलिए अब हम देखेंगे टाइप 10। टाइप 10 में कुछ और हमारे वर्ड्स है, ठीक है, जिनको हम अभी कवर करेंगे, फिर हमारा सेशन हो जाएगा कंप्लीट। सारे रूल्स हमने ऑलरेडी कर लिए हैं पहले वाले सेशन में। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला वाला वर्ड क्या दिया हुआ है, द परसेंटेज ऑफ, ठीक है, द परसेंटेज ऑफ दिया है। इसके साथ अगर अनकाउंटेबल है या प्लूरल काउंटेबल है तो भी हमारी वर्ब सिंगुलर ही आएगी, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे दो चीजें मेंशन करना चाहूंगी जहां पे कंफ्यूजन में भी आप लोगों को हो सकती है, ठीक है। अब कंफ्यूजन कहाँ हो सकती है वो बताती हूँ। एक है यहाँ पे द परसेंटेज ऑफ, चाहे कोई सा भी नाउन हो, चाहे अनकाउंटेबल हो चाहे प्लूरल काउंटेबल हो, वर्ब तो भैया हमेशा सिंगुलर ही आएगी, ठीक है, मतलब नो मैटर वॉट वर्ब जो है वो सिंगुलर ही हम लगाएंगे यहाँ पे। लेकिन अभी हमने एक और क्वेश्चन यहाँ किया था 10% ऑफ, यहाँ हमने क्या किया था, जैसे यहाँ दिया 10% ऑफ, 50% ऑफ, है ना, ये वाला रूल भी तो परसेंटेज से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ एक सिनेरियो था, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर और अगर प्लूरल काउंटेबल होगा तो प्लूरल, ठीक है। अब हमने देखा तो परसेंटेज 10% ऑफ का रूल यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अलग है। और यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रही हूं, यहाँ पे द परसेंटेज ऑफ दिया हुआ है। इस केस में क्या करना है, आपको अनकाउंटेबल देख के वहां पे या प्लूरल देख करके आपको वहां पे प्लूरल वर्ब नहीं लगानी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि चाहे काउंटेबल नाउन हो चाहे अनकाउंटेबल हो, आपका वर्ब ऑलवेज सिंगुलर आएगा। कब आएगा, जब लिखा हो द परसेंटेज ऑफ कहीं पे भी, ठीक है। आगे है मोर देन वन, मोर देन वन दिया हुआ है और अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, ठीक है। मोर देन टू दिया हुआ है, थ्री दिया हुआ है, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। और मोर दिया हुआ है और प्लूरल काउंटेबल है तो भी हमारा प्लूरल ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ ये तो सिंपल था, आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तो इसको अच्छे से हम समझेंगे। जैसे देखो फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है द परसेंटेज ऑफ, अब देखो द परसेंटेज ऑफ दिया है, द यहाँ पे आ गया, सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। अब यहाँ कैंडिडेट्स क्या है आपका, प्लूरल है, ठीक है, लेकिन द परसेंटेज ऑफ है तो मैंने बोला द परसेंटेज ऑफ के साथ किसी भी हालत में सिंगुलर ही आएगा ऑलवेज, तो ये याद रखना है, ठीक है। या फिर द परसेंटेज ऑफ के साथ अगर कैंडिडेट्स की जगह अनकाउंटेबल होता तो भी हम सिंगुलर ही लगाते, प्लूरल है तो भी हम सिंगुलर लगा रहे हैं, यहाँ आर हम नहीं लगा रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन था 20% 50%, यहाँ पे प्लूरल के साथ प्लूरल आएगा, ठीक है। तो ये चीज मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो जाती है। आगे है मोर देन वन सिटी, मोर देन वन के साथ हमने सिंगुलर आया सिटी तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर आ गया, सिंपल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब हम लगा देंगे। मोर सिटीज देन वन दिया हुआ है, सिटीज दिया हुआ है तो यहाँ वर आ गया, ठीक है। मोर देन टू थीव्स, मोर देन टू थीव्स दिया है, प्लूरल है तो प्लूरल लगा देंगे। तो यहाँ पे तो वही है, प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, मोर देन टू दिया हो मोर देन वन दिया हो, बस आपको यहाँ पे नाउन देखना है और आंसर को कर देना है। फिर है मोर प्लांट्स देन वन वर मेड, तो मोर प्लांट्स दिया हुआ है, प्लूरल है तो यहाँ पे भी प्लूरल ही आएगा, ठीक है। तो केवल आपको नाउन यहाँ पे पहचानना है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे हमारे होते हैं सारे रूल्स कंप्लीट। तो दो पार्ट में मैंने सारे रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से जितने आपके रूल बनते हैं वो सब मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने ऑनेस्टी के साथ ये सारी दोनों वीडियो देखी होंगी तो डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्लैरिटी हो गई होगी। अब हम करेंगे नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्दी
इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, जिससे कि आपकी एक प्रैक्टिस बनेगी और आपको ये पता चलेगा कि आप कितने अच्छे से रूल्स को समझ पाए हैं. ठीक है, सो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस रिगार्डिंग दिस वीडियो और एनीथिंग, देन लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. एंड पहली बार चैनल पर हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर. ओके, सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग.